नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज यहां आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। पद्म पुरस्कार से अलंकृत होने वाले लोगों में श्री पंकज अडवाणी, श्री महेंद्र सिंह धोनी, हमारे देश के दो दैदीप्यमान नक्षत्र खेलों के क्षेत्र में, उनके साथ महामहिम श्री अलेक्जेंडर कदाकिन, जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है पद्म भूषण से, श्री लक्ष्मण पई, आधुनिक भारतीय कला की सशक्त हस्ताक्षर, और श्रीमती डॉक्टर शारदा सिन्हा, लोक संगीत में जिन्होंने एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर देश का नाम रोशन किया है। पद्म पुरस्कार देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल है और आज माननीय राष्ट्रपति महोदय 43 लोगों को अलंकरण प्रदान करेंगे, जिनमें 5 पद्म भूषण तथा 38 पद्मश्री अलंकरण शामिल हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सम्मिलित। ये पुरस्कार पद्म भूषण तथा पद्मश्री 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और समाज सेवा, ये क्षेत्र हैं जिनमें उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन दरबार हॉल में अभिवादन स्वीकार करते हुए विशिष्ट अतिथिगणों का, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य श्री अनंत कुमार, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री धर्मेंद्र प्रधान दरबार हॉल में उपस्थित, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया जा रहा है, उनकी पत्नी श्रीमती साक्षी धोनी दरबार हॉल में उपस्थित, उन सभी लोगों के लिए जिन्हें आज माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अलंकृत किया जाएगा, सबके लिए गौरव का अवसर है। उनसे जुड़े लोगों के लिए श्री पंकज अडवाणी, बिलियर्ड्स और स्नूकर में जिन्होंने विश्व स्तर पर पहचान बनाई है, आज उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन दरबार हॉल में एक बहुत ही खास अवसर है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें आज ये विशिष्ट सम्मान राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में प्रदान किया जा रहा है। श्री दामोदर गणेश पापट, श्री प्रफुल्ल गोविंद बरुआ, श्री सुधांशु विश्वास, श्री विजय कुमार किचलू, श्री झवेरी लाल दलपतराम महेता, श्री शिशिर पुरुषोत्तम मिश्रा, कला, साहित्य, सिने जगत, चिकित्सा से जुड़े वो सशक्त हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनोखा मकाम हासिल किया है। श्री महेंद्र सिंह धोनी साथ में श्री पंकज अडवाणी
एक बहुत ही खास अवसर है महेंद्र सिंह धोनी के लिए आज, क्योंकि 2011 में आज ही के दिन उन्होंने भारत को दूसरा विश्व कप दिलाया था, 2 अप्रैल 2011। और आज उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया जा रहा है। 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में 50-50 ओवर के संस्करण का विश्व कप, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में महेंद्र सिंह धोनी ने देश का नेतृत्व किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन दरबार हॉल में, राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। पद्म भूषण श्री पंकज अडवाणी खेल स्नूकर। श्री महेंद्र सिंह धोनी खेल क्रिकेट। महामहिम श्री अलेक्जेंडर कदाकिन मरणोपरांत उनके देश के राजदूत महामहिम श्री निकोल आर कुदाशेव लोक कार्य। श्री लक्ष्मण पाय चित्रकला।
डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा, कला संगीत। पद्मश्री श्री दामोदर गणेश बापट, समाज सेवा। श्री प्रफुल्ल गोविंद बरुआ, पत्रकारिता। श्री सुधांशु विश्वास, समाज सेवा। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता। श्री जोस मा ए कॉन्सेप्सियन, तृतीय, व्यापार एवं उद्योग। श्रीमती एल सुबादानी देवी, कला बुनाई।
डॉक्टर दोडरंगे गौड़ा कला गीत। श्री दत्तुक रामली इब्राहिम कला नृत्य। श्रीमती सीतव्वा दुंडप्पा जोडट्टी समाज सेवा। श्री मनोज नवनीत जोशी कला अभिनय। श्री रामेश्वर लाल काबरा व्यापार एवं उद्योग। श्री बुनलप क्योकन्या पुरातत्व विज्ञान। श्री विजय कुमार किचलू कला संगीत। श्रीमती विजय लक्ष्मी नवनीत कृष्णन कला लोक संगीत। महामहिम श्री हुन मेनी लोक कार्य।
श्री झवेरीलाल दलपत राम मेहता, साहित्य एवं शिक्षा। श्री शिशिर पुरुषोत्तम मिश्रा, कला सिनेमा। प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी, साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर राव सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर, साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर तांत मिन उ लोक कार्य। श्री बप्पा न्योमन नुवार्ता, मूर्तिकला। श्री मलई हाजी अब्दुल्ला बिन मलई हाजी उस्मान, समाज सेवा। श्री भवानी चरण पटनायक, लोक कार्य। प्रोफेसर हबीबुल्लो राजबोव, साहित्य एवं शिक्षा।
डॉक्टर MR राजगोपाल, चिकित्सा पैलिएटिव केयर। प्रोफेसर चंद्रशेखर रथ मरणोपरांत, उनकी पत्नी श्रीमती चारुबाला रथ। साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर संदुक रुहित, चिकित्सा नेत्र विज्ञान। डॉक्टर पंकज मनुभाई शाह, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी। श्री इब्राहिम नबी साहेब सुतार, कला संगीत। डॉक्टर विक्रम चंद्र ठाकुर, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। परम सम्मानित डॉक्टर नुएन टीएन थियन, अध्यात्म। प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री, साहित्य एवं शिक्षा।
श्री रोमुलस विट्टेकर वन्यजीव संरक्षण। श्री ए जाकिया साहित्य एवं शिक्षा। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज विशिष्ट व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दरबार हॉल से प्रस्थान करते हुए इसके साथ ही ये पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह संपन्न होता है। नमस्कार।